मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने भारत से 15 मार्च तक अपने सैनिकों को वापस बुलाने की अपील की। उन्होंने चीन से लौटने के बाद भारत विरोधी बयानबाजियों की झड़ी लगाते हुए कई बड़े फैसले भी लिए हैं। इन फैसलों का मकसद मालदीव की भारत पर निर्भरता को कम करना है। भारत और मालदीव के बीच द्विपक्षीय संबंध हाल के हफ्तों में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। मालदीव ने भारत को 15 मार्च तक अपने सैनिकों को वापस बुलाने का अल्टीमेटम दिया है। मालदीव की राजधानी माले में रविवार को हुई दोनों पक्षों के बीच उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की पहली बैठक में मोहम्मद मोइजू की सरकार ने इस मांग को भारत के सामने रखा। राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के कार्यालय में सार्वजनिक नीति सचिव अब्दुल्ला नाजिम इब्राहिम ने कहा कि भारतीय सैन्यकर्मी मालदीव में नहीं रह सकते हैं, ये इस प्रशासन की नीति है। मालदीव में लगभग 80 भारतीय सैनिक हैं। भारतीय सैनिक दो बचाव और टोही हेलीकॉप्टरों और एक डोनियर विमान के रखरखाव और संचालन के लिए वहां तैनात हैं। इसे सालों पहले मालदीव को दान किया गया था। मालदीव से भारतीय सैन्य कर्मियों को हटाना मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू की चुनावी प्रतिज्ञा थी। उन्होंने पिछले साल नवंबर में भारत समर्थक इब्राहिम मोहम्मद सोहिल को एक बड़े मुकाबले में हराया था। मोइजू का चुनावी अभियान इंडिया आउट कैंपेन पर केंद्रित था। उन्होंने अपनी हर रैली में भारतीय सैनिकों को मालदीव से बाहर भेजने का नारा भी लगाया था। मालदीव के साथ कोर ग्रुप की पहली बैठक के बाद भारत ने कहा कि दोनों देशों के अधिकारियों ने मालदीव के लोगों को मानवीय सहायता और मेडवॉक सेवाएं प्रदान करने वाले भारतीय विमानन प्लेटफॉर्मों के निरंतर संचालन को सक्षम करने के लिए पारस्परिक रूप से व्यवहारिक समाधान खोजने पर चर्चा की है। लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय के बयान में मालदीव से भारतीय सैनिकों की वापसी की कोई समय सीमा का उल्लेख नहीं किया गया। मोइजू की चीन यात्रा से ठीक पहले मालदीव के तीन उपमंत्रियों ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद से ही भारत और मालदीव के बीच विवाद पैदा हो गया। इस बवाल के बाद मालदीव ने तीनों मंत्रियों को निलंबित कर दिया था। मोइजू ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुलाकात की। साथ ही इस दौरान चीन और मालदीव अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक सहकारी साझेदारी तक बढ़ाने पर टिप्पणी करते हुए सहमत दिखे। मोइजू जब चीन से लौटे तो भारत के प्रति उनका लहजा भी काफी सख्त दिखा। ऐसा लग रहा था कि जैसे चीन ने उन्हें सिखा पढ़ाकर मालदीव वापस भेजा हो। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।